हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका इस वीडियो में स्वागत है। यह वीडियो एमए फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए है, जिसका टॉपिक है एम्पावरमेंट ऑफ द मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। इस वीडियो को हम दो भाग में बांटकर आप लोगों को पढ़ाएंगे। तो आज के इस भाग में मैं मार्जिनलाइज्ड सेक्शन किसको कहते हैं, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक है, कौन कौन से मार्जिनलाइज्ड ग्रुप के अंतर्गत कौन कौन लोग आते हैं के संबंध में बताएंगे। तो आइए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि समाज के उपेक्षित वर्ग कौन हैं। Among the marginalized sections of the society, scheduled caste and tribes, backward castes, from religious point of view, minority sections comes. Here the meaning of the marginalized sections of the society, especially those castes for whom reservation was provided in the constitution after independence, or in respect of which the question of arranging reservation has been considered from time to time. The women of the country also come in some sense among the marginalized sections of the society. समाज के उपेक्षित वर्गों में अनुसूचित जातियां एवं जनजातियां, पिछड़ी हुई जातियां, धार्मिक दृष्टि से अल्पसंख्यक वर्ग और समाज का साधनहीन वर्ग आता है। यहाँ पर समाज के उपेक्षित वर्ग से अभिप्राय विशेषकर उन जातियों से है जिनके लिए स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद संविधान में आरक्षण की व्यवस्था की गई, अथवा जिनके संबंध में आरक्षण की व्यवस्था करने के प्रश्न पर समय समय पर विचार किया जाता रहा है। देश में महिला वर्ग भी कुछ अर्थों में समाज के दुर्बल वर्ग में ही आती हैं या उपेक्षित वर्ग में आती हैं। अर्थात मार्जिनलाइज्ड सेक्शन के अंतर्गत वे लोग आते हैं जिसकी उपेक्षा की गई हो, जिसका आदर सम्मान न किया गया हो, अथवा जिसकी ओर उचित ध्यान न दिया गया हो। अब हम बात करेंगे उपेक्षित वर्ग की कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक हैं, उनकी क्या विशेषताएं होती हैं। तो पहली विशेषता है, इट सफर्स फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन एंड सबॉर्डिनेशन। यह भेदभाव और अधीनता से ग्रस्त होते हैं। नेक्स्ट है, दे हैव फिजिकल एंड कल्चरल ट्रेड्स दैट सेट देम अपार्ट एंड व्हिच आर डिसअप्रूव्ड ऑफ बाई ए डोमिनेंट ग्रुप। भौतिक और सांस्कृतिक लक्षण के कारण ये अलग होते हैं तथा एक प्रमुख समूह द्वारा इनको अस्वीकृत किया जाता है। नेक्स्ट है, दे शेयर अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी एंड कॉमन बर्डन्स। वे सामूहिक पहचान और सामान्य बोझ की भावना को साझा करते हैं। नेक्स्ट है, दे हैव शेयर्ड सोशल रूल्स अबाउट हु बिलोंग्स एंड हु डज नॉट। वे जिन सामाजिक नियमों से जुड़े रहते हैं उनको साझा करते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट है, दे हैव ए टेंडेंसी टू मैरी विद इन द ग्रुप। उनके पास समूह के भीतर ही शादी करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। अब मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स के अंतर्गत कौन कौन लोग आते हैं उनके बारे में बात करेंगे। वुमेन, पीपल विथ डिसेबिलिटीज, महिलाएं आती हैं उसके अंतर्गत। डिसेबल्ड पीपल, जो विकलांग लोग हैं, वो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप के अंतर्गत आते हैं। शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जाति के लोग, अनुसूचित जनजाति के लोग, एल्डरली आर एजर्ड पीपल आते हैं, चिल्ड्रन, बच्चे भी आते हैं मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स के अंतर्गत, और सेक्सुअल माइनॉरिटीज़ के लोग भी आते हैं इसके अंतर्गत। तो इसको हम विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले तो हम जानेंगे वुमेन के बारे में, महिलाओं के बारे में। वुमेन मार्जिनलाइज्ड ग्रुप के अंतर्गत आती हैं। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए गवर्नमेंट द्वारा अनेक
प्रोग्राम चलाए गए हैं, अनेक प्रयास किए गए हैं जिसको कि हम इसके अंतर्गत जानेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे कि वुमेन एम्पावरमेंट है क्या। वुमेन्स एम्पावरमेंट कैन बी डिफाइंड इन वेरी सिंपल टर्म्स दैट इट मेक्स वुमन पावरफुल सो दैट दे कैन टेक एवरी डिसीजन रिलेटेड टू देयर लाइफ एंड लाइफ वेल इन फैमिली एंड सोसाइटी। एम्पावरिंग वुमेन टू अचीव देयर रियल राइट्स इन सोसाइटी इज वुमेन एम्पावरमेंट। महिला सशक्तिकरण को बहुत ही आसान शब्दों में परिभाषित किया जा सकता है कि इससे महिलाएं जो है शक्तिशाली बनती हैं, जिससे वो अपने जीवन से जुड़े हर फैसले स्वयं ले सकती हैं और परिवार तथा समाज में अच्छे से रह सकती हैं। समाज में उनके वास्तविक अधिकार को प्राप्त करने के लिए उन्हें सक्षम बनाना ही महिला सशक्तिकरण है। इसमें ऐसी ताकत है कि वह समाज और देश में बहुत कुछ बदल सकती हैं। वह समाज में किसी समस्या को पुरुषों से बेहतर ढंग से निपट सकती हैं। विकास की मुख्य धारा में महिलाओं को लाने के लिए भारतीय सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई गई हैं। तो इन योजनाओं को जानने से पहले हम ये जानेंगे कि वुमेन को कौन कौन से प्रॉब्लम्स को फेस करने पड़ते हैं। तो उसमें पहला जो प्रॉब्लम है वह है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, लैंगिक असमानता। प्रत्येक पितृसत्तात्मक परिवार का यह सामान्य लक्षण है कि वहाँ पुरुष की प्रधानता होती है और नारी का जो है अवमूल्यन किया जाता है। भारतीय समाज में इसका रूप अत्यंत कठिन है। नारी का जन्म ही अपने आप में अभिशाप माना जाता है। पुत्र को मुक्तिदाता तथा बुढ़ापे का सहारा माना जाता है, जबकि पुत्री का जन्म एक जब होता है तो लोगों को कर्ज समझ में आता है। इसलिए जन्म से ही लिंग भेदभाव शुरू हो जाता है। इनके लालन पालन के तौर तरीके भी बिल्कुल अलग अलग हो जाते हैं। सेकेंड इज प्रॉब्लम्स ऑफ एजुकेशन, शिक्षा की समस्या। प्रारंभिक वैदिक साहित्य से ही हमें यह पता चलता है कि वैदिक युग में लड़की का भी उपनयन संस्कार होता था और वह भी लड़कों की भांति आश्रमों में शिक्षा के लिए जाती थी। धीरे धीरे उसे शिक्षा से दूर किया जाता रहा और उसके लिए एकमात्र संस्कार विवाह ही माना जाने लगा। धर्मशास्त्रों तक आते आते यह प्रक्रिया पूरी हो गई। मुस्लिम काल में तो नारी पूर्णतः निरक्षर थी। नई दिल्ली स्थित ICSSSR द्वारा किए गए एक अध्ययन से पता चलता है कि 1971 में साक्षर महिलाएं 18.4% थीं और 1981 में यह प्रतिशत 25% था, जबकि 1991 की जनगणना के अनुसार यह 39.42% हो गया है। वास्तव में यह प्रगति नगरी क्षेत्रों में उच्च और मध्यम वर्ग के बीच अधिक हुई है। नेक्स्ट, एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम, रोजगार की समस्या। 1981 की जनगणना के अनुसार नारी श्रम सहभागिता 20.85% थी और 1991 में भी इसमें कोई विशेष वृद्धि नहीं हुई है। वास्तव में नारी श्रम की भी अजब कहानी है। उसकी गृहस्थी का कार्य जो वह प्रायः सबसे पहले उठकर प्रारंभ करती है और देर रात तक समाप्त करती है, उसे सही नहीं माना जाता, अनुत्पादक माना जाता है। वह कार्य राष्ट्रीय आय का भाग नहीं होता है। जो वह घर से बाहर तथा कथित उत्पादक कार्यों में लगी है, वहाँ भी वह अनेक समस्याओं का सामना कर रही हैं। नेक्स्ट है हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, स्वास्थ्य एवं पोषण। नारियों में अस्वास्थ्य और कुपोषण की भी भारी समस्या है। बचपन से ही लड़कियों को पोषक पदार्थ नहीं दिए जाते हैं जो लड़कों को दिए जाते हैं। वे स्वयं ही अपने शरीर की रक्षा और स्वास्थ्य पर बहुत कम ध्यान देती हैं। प्रायः घर में वही महिला जो अपने पति और बच्चों के लिए अच्छे से अच्छा भोजन बनाती है, बाद में जो बचता है उसे ही खाती है। अगर बासी भोजन बचा है तो भी उसे ही खाती है। मातृत्व का भार भी उसी के ऊपर होता है। नेक्स्ट, रिलीजियस सुपरस्टिशन एंड इग्नोरेंस।
धार्मिक अंधविश्वास एवं अज्ञानता। धर्म ने भी नारी के साथ न्याय नहीं किया है। ईसाई धर्म या इस्लाम उन्हें धर्मगुरु बनने की प्रेरणा नहीं देते, वे सेविका और भक्त ही बन सकती हैं। पुरुष प्रधान धर्मों ने लिंग भेदभाव को बढ़ावा दिया है और नारी की निम्न परिस्थिति का समर्थन किया है। वह पुरुष के आध्यात्मिक विकास में एक बाधा है। वह अपने सम्मोहन से विश्वामित्र जैसे ऋषि को भी पथभ्रष्ट कर देती है, तो सामान्य मनुष्य का तो क्या कहना है, वह तो साक्षात नरक का द्वार है। ऐसे धार्मिक विचार नारी में हीन भावना भर देते हैं और उसे अनेक धार्मिक अंधविश्वासों का शिकार बना देते हैं। नेक्स्ट है सेक्सुअल एब्यूज एंड सेक्सुअल हरेसमेंट, यौन शोषण तथा यौन उत्पीड़न। नारियों की सबसे बड़ी प्रमुख समस्या उनका यौन शोषण और यौन उत्पीड़न है। वेश्यावृत्ति विश्व का सबसे पुराना व्यवसाय माना जाता है। शायद जब से संगठित समाज है तब से वेश्यावृत्ति है। 1959 में महिलाओं में अनैतिक व्यापार दमन का कानून पारित किया गया था, परंतु आज भी वेश्यावृत्ति संगठित रूप में पाई जाती है। प्रायः यह दो रूपों में प्रचलित है। एक ओर तो परंपरागत वेश्याएं हैं जो बाजार में कोठों पर धन कमाने के लिए देह का व्यापार करती हैं, और दूसरी ओर वे श्वेत वस्त्रधारी तथाकथित सम्मानित नारियां हैं जो धन के लिए या अन्य भौतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बड़े बड़े होटलों में या निजी कोठों में या किसी अन्य संगठित अड्डे पर यौन व्यापार करती हैं। इस दूसरी श्रेणी की नारियों को काल गर्ल कहा जाता है। वेश्यावृत्ति के अतिरिक्त विज्ञापनों, चलचित्रों, अश्लील साहित्य और छेड़छाड़ आदि के माध्यम से भी यौन उत्पीड़न किया जाता है। नेक्स्ट है डॉरी प्रॉब्लम, दहेज समस्या। भारतीय समाज में नारी के लिए विवाह में दहेज अनिवार्य है, इसलिए दहेज की समस्या एक भयंकर समस्या बनती जा रही है। आए दिन समाचार पत्रों में दहेज की शिकार नारियों के जलाने की घटनाओं का विवरण छपा रहता है। पिछले कुछ वर्षों में ऐसी घटनाओं का प्रतिशत बढ़ता ही जा रहा है और दहेज का समाज के प्रत्येक समुदाय में प्रसार भी होता जा रहा है। नेक्स्ट है डिवोर्स, तलाक। पति पत्नी के वैवाहिक संबंधों का कानूनी दृष्टि से विच्छेद किया जाना तलाक कहलाता है। तलाक के विभिन्न समुदायों में भिन्न भिन्न आधार है, परंतु तलाक नारी के लिए पुरुषों की अपेक्षा अधिक कष्टकारी और आघातपूर्ण घटना है। अदालत की लंबी प्रक्रिया, बच्चों का प्रश्न, स्वयं के जीवन निर्वाह का प्रश्न, सामाजिक अप्रतिष्ठा और निंदा का सामना, यह सब नारी को ही भुगतना पड़ता है, पुरुषों को नहीं। तलाक प्राप्त नारी भारतीय समाज में अप्रतिष्ठा का विषय है और उसके पुनर्विवाह की समस्या भी कठिन है। इसलिए नारी के लिए तलाक एक महंगा सौदा हो गया है। नेक्स्ट है नारी के प्रति हिंसा, वायलेंस टुवर्ड्स वुमेन। नारी अनेक रूपों में आज हिंसा का शिकार है। यह हिंसा दो रूपों में देखी जा सकती है। पहला तो कि घरेलू हिंसा पहला है और दूसरा घर से बाहर हिंसा। पहले रूप का संबंध घर गृहस्थी में नारी का किया जाने वाला शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न है। नारी अध्ययनों की प्रतिष्ठा प्राप्त विदुषी देवकी जैन ने घर से बाहर नारी के प्रति हिंसा में निम्नलिखित मामलों को सम्मिलित किया है। हिरासत की स्थिति में हिंसा, बलात्कार, यौन उत्पीड़न, अश्लील साहित्य एवं विज्ञापन, वेश्यावृत्ति तथा नारियों का अनैतिक व्यापार। नेक्स्ट एंड लास्ट है वुमेन मर्डर, नारी हत्या। नारी हत्या वह हत्या कही जा सकती है जो उस समय हो जबकि वह मां के गर्भ में है या जन्म लेने के बाद नारी शिशु हत्या के रूप में है, और चाहे जलती बहू या किसी अन्य प्रकार के उत्पीड़न से मारने के रूप में है। इतना ही नहीं, इसमें ऐसी भी घटनाएं सम्मिलित हैं जिनमें ऐसी परिस्थितियां पैदा कर दी गई हो कि नारी ने मजबूर होकर आत्महत्या कर ली हो। ऐसी घटनाएं नारी के उत्पीड़न की बड़ी दर्दनाक कहानियां प्रस्तुत करती हैं
और वे इक्का दुक्का घटनाएं नहीं है कि जिन्हें अपवाद समझकर टाल दिया जाए। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए सरकार द्वारा भिन्न भिन्न कार्यक्रम चलाए गए हैं, प्रोग्राम्स रन बाय गवर्नमेंट फॉर वुमेन एम्पावरमेंट। फर्स्ट इज राइट टू इक्वल पे। इसके द्वारा स्त्री पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था की गई। नेक्स्ट इज लॉ अगेंस्ट हैरेसमेंट इन वर्किंग प्लेस। वर्किंग प्लेस में उत्पीड़क के खिलाफ कानून। यौन उत्पीड़न अधिनियम के तहत आपको वर्किंग प्लेस पर हुए यौन उत्पीड़न के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने का पूरा हक है। केंद्र सरकार ने भी महिला कर्मचारियों के लिए नए नियम लागू किए हैं, जिसके तहत वर्किंग प्लेस पर यौन शोषण की शिकायत दर्ज होने पर महिलाओं को जांच लंबित रहने तक 90 दिन की पेड लीव दी जाएगी। नेक्स्ट इज राइट टू मैटरनिटी बेनिफिट्स। मातृत्व संबंधी लाभ के लिए अधिकार। मातृत्व लाभ कामकाजी महिलाओं के लिए सिर्फ सुविधा नहीं, बल्कि ये उनका अधिकार है। मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 के तहत मैटरनिटी बेनिफिट्स हर कामकाजी महिलाओं का अधिकार है। मैटरनिटी बेनिफिट्स एक्ट के तहत एक प्रेग्नेंट महिला 26 वीक्स तक मैटरनिटी लीव ले सकती है। इस दौरान महिला के सैलरी में कोई कटौती नहीं की जाती है। नेक्स्ट इज राइट अगेंस्ट फीमेल फेटिसाइड। कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ अधिकार। भारत के हर नागरिक का ये कर्तव्य है कि वो एक महिला को उसके मूल अधिकार जीने का अधिकार का अनुभव करने दे। गर्भधारण और प्रसव से पूर्व पहचान करने की तकनीक अधिनियम कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ अधिकार देता है। नेक्स्ट राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति पर अधिकार। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत नए नियमों के आधार पर पुश्तैनी संपत्ति पर महिला और पुरुष दोनों का ही बराबर हक है। नेक्स्ट इज राइट टू फादर्स प्रॉपर्टी, पिता की संपत्ति पर अधिकार। भारत का कानून किसी महिला को अपने पिता की पुश्तैनी संपत्ति में पूरा अधिकार देता है। अगर पिता ने खुद जमा की संपत्ति की कोई वसीयत नहीं की है, तब उसकी मौत के बाद संपत्ति में लड़की को भी उसके भाइयों और माँ जितना ही हिस्सा मिलेगा। यहाँ तक कि शादी के बाद भी यह अधिकार बरकरार रहेगा। नेक्स्ट एनोनिमिटी राइट, नाम न छपने का अधिकार। यौन उत्पीड़न की शिकार महिलाओं को नाम न छापने देने का अधिकार है। अपनी गोपनीयता की रक्षा करने के लिए यौन उत्पीड़न की शिकार हुई महिला अकेले अपना बयान किसी महिला पुलिस अधिकारी की मौजूदगी में या फिर जिलाधिकारी के सामने दर्ज करा सकती है। नेक्स्ट राइट्स रिलेटेड टू हस्बैंड्स प्रॉपर्टी, पति के संपत्ति से जुड़े हक। शादी के बाद पति की संपत्ति में तो महिला का मलिकाना हक नहीं होता, लेकिन वैवाहिक विवादों की स्थिति में पति की हैसियत के हिसाब से महिला को गुजारा भत्ता मिलना चाहिए। पति की मौत के बाद या तो उसकी वसीयत के मुताबिक या फिर वसीयत न होने की स्थिति में भी पत्नी को संपत्ति में हिस्सा मिलता है। शर्त यह है कि पति केवल अपनी खुद की अर्जित की हुई संपत्ति की ही वसीयत कर सकता है, पुश्तैनी जायदाद की नहीं। नेक्स्ट इज राइट अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा के खिलाफ अधिकार। ये अधिनियम मुख्य रूप से पति पुरुष लिव इन पार्टनर या रिश्तेदारों द्वारा एक पत्नी एक महिला लिव इन पार्टनर या फिर घर में रह रही किसी भी महिला जैसे माँ या बहन पर की गई घरेलू हिंसा से सुरक्षा करने के लिए बनाया गया है। नेक्स्ट है राइट नॉट टू बी अरेस्ट एट नाइट, रात में गिरफ्तार न होने का अधिकार। आपराधिक प्रक्रिया संहिता सेक्शन 46 के तहत एक महिला को सूरज डूबने के बाद और सूरज उगने से पहले गिरफ्तार नहीं किया जा सकता।
किसी खास मामले में एक प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट के आदेश पर ही ये संभव है। बिना वारंट के गिरफ्तार की जा रही महिला को तुरंत गिरफ्तारी का कारण बताना जरूरी होता है। उसे जमानत से जुड़े उसके अधिकारों के बारे में भी जानकारी दी जानी चाहिए। साथ ही गिरफ्तार महिला के नज़दीकी रिश्तेदारों को तुरंत सूचित करना पुलिस की ही जिम्मेदारी है। नेक्स्ट, इफ द हस्बैंड एंड वाइफ डू नॉट रिमेन, पति पत्नी में न बने तो, अगर पति पत्नी साथ न रहना चाहे तो पति तो पत्नी सीआरपीसी की धारा 125 के तहत अपने और बच्चों के लिए गुजारा भत्ता मांग सकती है। अगर नौबत तलाक तक पहुंच जाए तब हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 24 के तहत मुआवजा राशि तय होती है, जो कि पति के वेतन और उसकी अर्जित संपत्ति के आधार पर तय की जाती है। नेक्स्ट, राइट टू डिग्निटी एंड डिसेंसी, गरिमा और शालीनता के लिए अधिकार। किसी मामले में अगर आरोपी एक महिला है तो उस पर की जाने वाली कोई भी चिकित्सा जांच प्रक्रिया किसी महिला द्वारा या किसी दूसरी महिला की उपस्थिति में ही की जानी चाहिए। नेक्स्ट एंड लास्ट है राइट टू फ्री लीगल एड, मुफ्त कानूनी मदद के लिए अधिकार। बलात्कार की शिकार हुई किसी भी महिला को मुफ्त कानूनी मदद पाने का पूरा अधिकार है। रेप की शिकार हुई किसी भी महिला को मुफ्त कानूनी मदद पाने का पूरा अधिकार है। पुलिस थानाध्यक्ष के लिए यह जरूरी है कि वह विधिक सेवा प्राधिकरण को वकील की व्यवस्था करने के लिए सूचित करे। इस तरीके के कानून बनाकर काफ़ी सख्तियां महिलाओं को दी गई हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पर अभी भी बहुत ज़्यादा काम करने की गुंजाइश है। इसके बावजूद भी महिलाएं अपनी जिम्मेदारियां बखूबी और बेहद सुंदरता से, और ख़ास बात यह कि बगैर किसी अपेक्षा के निभा रही हैं। दूसरा जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप है वह है पीपल विथ डिसेबिलिटीज़, विकलांग व्यक्ति। डिसेबिलिटी हैज़ बीन डिफाइंड बेस्ड ऑन एन इवॉल्विंग एंड डायनेमिक कॉन्सेप्ट प्रिंसिपल्स स्टेट्स टू बी इम्प्लीमेंटेड फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्संस विथ डिसेबिलिटीज आर रेस्पेक्ट फॉर द इनहेरेंट डिग्निटी इंडिविजुअल ऑटोनॉमी इंक्लूडिंग द फ्रीडम टू मेक वंस ओन चॉइसेस एंड इंडिपेंडेंस ऑफ पर्संस। In order to improve the condition of the disabled and to connect them with the mainstream, the Rajya Sabha passed the Rights of Persons with Disabilities Bill 2014. And in this bill, many provisions have been made in the interest of disabled persons. In the bill, the categories of persons with disabilities have been increased from 7 to 21. Now, victims of diseases like Parkinson's, cerebral palsy, autism, including victims of acid attack, will also join the disabled. Also, to maintain the self-respect of PWDs, a provision has been made that any type of discrimination against them will be punished with imprisonment of 2 years and a maximum fine of 5 lakh rupees. Apart from this, the reservation limit for them has also been increased to 4%. दिव्यांगों की स्थिति में सुधार लाने के लिए तथा उन्हें मुख्य धारा से जोड़ने के लिए राज्यसभा ने निःशक्त व्यक्ति अधिकार विधेयक 2014 पारित किया। इस विधेयक में दिव्यांगजनों के हित में कई प्रावधान किए गए। विधेयक में दिव्यांगजनों की श्रेणियों को 7 से बढ़ाकर 21 कर दिया गया। अब एसिड हमले के पीड़ित सहित पार्किंसंस, सेरेब्रल पाल्सी, ऑटिज्म जैसे रोगों के शिकार व्यक्ति भी निःशक्त जनों में शामिल हो जाएंगे।
साथ ही दिव्यांगजनों के स्वाभिमान को बनाए रखने के लिए यह प्रावधान किया गया कि उनसे किसी भी प्रकार का भेदभाव करने पर 2 साल की जेल और अधिकतम 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अतिरिक्त तो उनके लिए आरक्षण की सीमा भी 4% कर दी गई। दिव्यांगजनों से रिलेटेड कुछ इशू एंड चैलेंजेस हैं जो कि निम्न प्रकार से हैं: हेल्थ, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, असेसिबिलिटी, डिस्क्रिमिनेशन और सोशल एक्सक्लूजन, इनएडिक्वेट डाटा एंड स्टैटिस्टिक्स, पुअर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज एंड स्कीम्स एटसेट्रा। विकलांगता ऐसी शारीरिक एवं मानसिक अक्षमता है जिसके चलते कोई व्यक्ति सामान्य व्यक्तियों की तरह किसी कार्य को करने में अक्षम होता है। विकलांगों के सशक्तिकरण की दिशा में सरकारी प्रयास जो किए गए हैं वो निम्न प्रकार से हैं। उसमें पहला है असेसिबल इंडिया कैंपेन, क्रिएशन ऑफ असेसिबल इन्वायरमेंट फॉर PWDs। दूसरा है दीनदयाल डिसेबल्ड रिहैबिलिटेशन स्कीम। थर्ड इज असिस्टेंस टू डिसेबल्ड पर्संस फॉर परचेज आर फिटिंग ऑफ एड्स एंड अप्लायंसेस। नेक्स्ट इज नेशनल फेलोशिप फॉर स्टूडेंट्स विथ डिसेबिलिटीज एंड लास्ट स्कीम ऑफ द नेशनल ट्रस्ट फॉर द वेलफेयर ऑफ पर्संस विथ ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, मेंटल रिटार्डेशन एंड मल्टीपल डिसेबिलिटीज। भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम 1992, विकलांग जन अधिनियम 1995, ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, मानसिक बीमारी और बहु विकलांगों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय न्यास अधिनियम 1999, मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 1987, विकलांगजनों के कल्याण एवं विकास हेतु सरकार द्वारा ये सब प्रयास किए गए हैं। समाज के और उपेक्षित वर्ग जो हैं उसकी चर्चा हम अगले भाग में करेंगे। थैंक यू।